मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सवेसाहुरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरिये द्वारा विरचित, जिसमें कारण कार्य मीमांसा में निमित्त उपादान की चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है। जहां तक मुझे ख्याल होगा, कल आप सबको एक प्रश्न दिया था और आप लोगों ने उसको पक्का पूरा याद किया होगा, ये मैं मानूं, या कल पूछा जाए। चलिए, मैं कल की कल का कल देखेंगे, लेकिन आज तो थोड़े लोगों से पूछ ही लिया जाए कि निमित्त और उपादान की परिभाषा। पहले सबसे पहले कौन बताना चाहेगा निमित्त उपादान के सारे प्रकार के भेद, बस भेदों के नाम कौन बता सकता है? हाँ जी, बोलिए दीपाली जी, दृष्टि बोलिए। हाँ भैया, जो द्रव्य तीनों पार्ट्स कार्य आपको बस रूप। अभी भेद बताने हैं बस। अच्छा, किसके भैया? निमित्त और उपादान के। ठीक हाँ जी, सारे जितने भी प्रकार के हो सकते हैं। भैया, उपादान तो तीन रूप से हमने उसकी डिफाइन समझी थी कि एक तो पहले त्रिकाली उपादान जिसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं, दूसरा है पर्याय शक्ति जिसके क्षणिक उपादान जिसे कहते हैं, जिसको हम दो तरीके समझेंगे, क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो। क्षणिक उपादान नंबर एक में जिसमें ये होता है कि क्षणवर्ती जो पर्याय हमेशा बदलती रहती है, वो एक बदलकर जब पूर्ववर्ती बदलकर उत्तरवर्ती आती है, उसे क्षणिक उपादान नंबर एक कहते हैं। दूसरा क्षणिक उपादान नंबर दो, उसमें आपका भव्यता और योग्यता वो है। और निमित्त देखिए, में सब लोग अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो दूसरे लोगों से पूछा जाएगा, इसीलिए जिसे वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और सब ध्यान से सुनना, बोलिए आगे। जिसे तत्समय की योग्यता भी कहते हैं। और निमित्त निमित्त में क्या कहते हैं, निमित्त पे तो आरोप आता है, वो स्वयं कारण नहीं करता, लेकिन सभी कार्य में उसका आरोप आता है। और उसके भी पार्ट्स हैं, उसको भी समझने के लिए है तो सब में निमित्त ही। एक तो है आपका जिसमें चारों धर्मों का वो आता है, क्या चलिए, किसी और के पास चलते हैं हम और उसे पूछते हैं, कौन बताना उपादान चाहेगा? अब तो देख के तो सबको याद आ जाएगा, बिना देखे इसको बताना है। हाँ जी, बोलिए आगे, कौन बताएगा? दृष्टि और मोक्ष बताएं तो बढ़िया रहेगा, आस्था बताएं तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सब भी पिछली क्लास में करें, बैठे हैं। हाँ जी, मतलब बोलिए। उदासीन। मैं नहीं अच्छी तरह नहीं पता तीन पार्ट्स जो उसके है कैसे ना। पता है बताइए, जो भी नहीं पता होगा वो मोक्ष बताएगा। बता, ऐसे मैं बताता हूँ जितना पता है उतना बता दो। नहीं बता पा रही तो क्या हो सकता, कंफ्यूज। चलिए बोलिए मोक्ष। भाई कारण होता है, कारण के दो भेद होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। फिर उपादान कारण के दो भेद होते हैं, त्रिकाली और क्षणिक। और निमित्त के दो भेद हैं, उदासीन, प्रेरक, अंतरंग, बहिरंग
अभाव और सदाभाव, सद्भाव। और ये जो क्षणिक उपादान है, जो उपादान का दूसरा भेद क्षणिक उपादान, उसके दो भेद है, क्षणिक उपादान नंबर वन और क्षणिक उपादान नंबर टू। और फिर अब इनकी डिफाइन बताएं भैया। चलिए ये बहुत बढ़िया, कौन बताएगा कि क्षणिक उपादान नंबर एक मतलब क्या है? हमने तो शॉर्ट टर्म्स याद कर ली, क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो, इनका टोटल शब्द क्या है? क्षणिक उपादान नंबर एक अर्थ क्या है, पूरा बड़ा वाला शब्द क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा भैया? अनंत पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान नंबर वन, और क्षणिक अनंत नहीं, अनंतर, अनंतर, अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, और क्षणिक उपादान नंबर दो तत्समय की योग्यता। समय की योग्यता, इसमें आपने जो पहले बताया उसमें वह शब्द और जोड़ लीजिए कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वह वो क्षणिक उपादान नंबर एक है और तत्समय की योग्यता दूसरा कारण है। अब निमित्त की परिभाषा कौन बताएगा? निमित्त की पूरी पूरी परिभाषा, बहुत सारे लोग ने कैमरा नहीं खोल रखा, ऐसा लग रहा है वे बताना नहीं चाह रहे हैं या उनको परिभाषा याद नहीं है। हाँ जी पंकज जी, आप बताना चाहेंगे निमित्त की परिभाषा? हाँ, जो पदार्थ खुद परिमन ना करे बट कार्य के समय उसकी उपस्थिति का पर उस पर अनुकूल होने का आरोप लगे। हाँ जी बहुत बढ़िया, कि जो पदार्थ स्वयं तो परिणमित नहीं होते परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बोलिए दीपाली जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनाना चाह रही थी निमित्त की। आप फिर से सुना दीजिए, हम फिर से सुन लेंगे। दृष्टि सुनाना चाह रही डिफाइन। हाँ जी बोलिए। जो पदार्थ स्वयं रूप कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में जिसमें अनुकूल होने का अनुकूल होने का आरोप लग जाए उसे निमित्त कारण कहते हैं, जैसे कि घट की उत्पत्ति में कुमार दंड चक्र आदि। चलिए तो मेरे से भी अच्छी परिभाषा सुना दी, बिल्कुल एज इट इज जैसे ग्रंथों में लिखे। बहुत सबके लिए बहुत सारी अनुमोदना की सबने, बहुत बढ़िया, हमने निमित्त उपादान के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह हम समझने लगे हैं। एक चीज हम और बहुत बढ़िया समझ सकते हैं इसी निमित्त उपादान के प्रसंग में, कि हमने ये तो देखा कि जब भी कार्य होता है तो उपादानगत योग्यता से ही होता है और निमित्त पे मात्र आरोप आता है और कभी भी उपादानगत योग्यता को बताया नहीं जाता। जैसे कि जो हीरा होता है या जो बड़े व्यक्ति होते हैं, ऐसे श्लोक दोहा भी है कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्या कहा? बड़े लोग कभी भी अपने मुख से प्रशंसा नहीं करते हैं, जो जिन लोगों की जान पहचान कम है वे दूसरों का सहारा लेके अपनी जान पहचान बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, हमारे पास ये हमारे पास हो। ऐसे हीरा होता है, हीरा कभी भी हीरे को अपना मूल्य बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका मूल्य लोग बताते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही उपादान है, उपादान को कहा नहीं जाता कि कार्य उपादान से हो रहा है, बताया तो यही जाएगा कि निमित्त इसमें ये था, निमित्त इसमें ये था, लेकिन उसके पीछे का वास्तविक कारण तो उपादान था। कुम्हार कितना ही चीख चीख के कह ले कि मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं घड़ा बनाता हूँ, लेकिन मिट्टी एक बार ये नहीं कहेगी कि मैं घड़ा बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो शांत प्रकृति का है, उपादान हमेशा शांत भाव से रहता है, कभी ये प्रकट नहीं करता कि कार्य मैंने किया, लेकिन वास्तव में तो कार्य उसी से होता है, उसके बिना किसी से नहीं हो सकता। इसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति आज देखी, उसका एक उसमें भी हम थोड़ा विस्तार देख सकते हैं निमित्त उपादान में, कि जो भी कार्य होना है अपनी उपादानगत योग्यता से ही होना है, लेकिन जब भी हम कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसमें कौन निमित्त बनेंगे? देव, शास्त्र, गुरु, ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, शेर को सम्यक दर्शन हुआ, शेर कितनी बार मंदिर गया था, शेर ने कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया था, किसी देव के पास गया था वो या नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उसकी योग्यता थी तो उसको सम्यक दर्शन हुआ। हो सकता है पूर्व भव में देशना सुनी हो, पूर्व भव के ऐसे संस्कार हो जो इस भव में भी चल के आए और उसको सम्यक दर्शन उन सब में निमित्त बना, मतलब कि वो सब सम्यक दर्शन निमित्त बना, लेकिन उस समय उस पर्याय में तो वो कोई मंदिर नहीं जाया करता था, लेकिन
अर्थ क्या देखना है कि कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है। बहुत बढ़िया वाक्य पढ़ा कि इसका अर्थ समझना, धन्य वे नहीं है जो मंदिर जाते हैं। क्या कहा? धन्य वे नहीं है जो मंदिर, धन्य तो वे हैं जिन्हें मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्या मतलब है कि धन्य वे नहीं है जो मंदिर जाते हैं? ये तो अच्छी बात है, हम तो वैसे ही मंदिर जाना नहीं चाहते थे, और आपने बढ़िया बता दिया कि धन्य तो वही होते हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। इसका ऐसा भी अर्थ नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि धन्य वे नहीं है जो फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास जाते हैं, धन्य वे हैं जिन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब आपको थोड़ा सेंटेंस समझ में आ गया होगा, मतलब कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अपने रोग का उपचार कराने जाते हैं, और अगर हमें रोग ही नहीं है तो हम आनंद में हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण, किसी को कोई खुजा हो, क्या खुजा एक बीमारी है, तो खुजा बहुत ज्यादा होती है, तो जब व्यक्ति खुजाता है तो उसको बहुत आनंद आता है। क्या खुजा हो रही हो और खुजाने में और उसका हाथ रोक दिया जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन हाथ खोल दिया जाए तो खुजाने में जो आनंद आता है वो गजब का आनंद आता है। जिस व्यक्ति को वो खुजाने की बीमारी हो ही नहीं तो वो कितना सुखी है। एक व्यक्ति को खुजा करने पे आनंद आ रहा है और एक व्यक्ति जिसको खुजा नहीं है, दोनों को आनंद तो आ रहा है लेकिन एक को खुजा करने पे आ रहा है, तो उससे पूछा जाए कि भैया अगर तुम्हें खुजा ही ना हो तो कैसा होगा, वो तो बहुत से बढ़िया बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही हम देश रात गुरु के पास जाते तो हैं लेकिन कार्य तो अपनी उपादान योग्यता से ही होता है। ऐसा कह रहे हैं कि धन्य वे नहीं है जो मंदिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तव में तो मुनिराजों को कंपलसरी नहीं है मंदिर जाना, वो हमेशा अपने अपनी आत्मा में बैठे हुए हैं। शेर को शेर मंदिर नहीं गया, उसके बावजूद भी एक मंदिर उसके तन में विराजमान है, एक तो जिन मंदिर है एक तन मंदिर है। और हम हमेशा भगवान को कहाँ खोजते रहे, हमेशा जिनालियों में खोजते रहे, वास्तविक भगवान तो हमारे अंदर ही भीतर में बैठे हुए हैं। तो उस शेर ने भी भीतर के भगवान को तन के तन देवालय में जो विराजमान भगवान आत्मा है उसके दर्शन किए तो सारा काम हो गया। मतलब कि सब ऐसी परिस्थिति है, कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है, और जब जब कार्य होता है तो निमित्त पे आरोप आ जाता है कि निमित्त ने इस कार्य को किया। भैया निमित्त की हमें महिमा आनी भी चाहिए, अभी हम दूसरी शंका भी देखेंगे, लेकिन निमित्त का बहुमान होना भी चाहिए। अगर निमित्त का बहुमान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अभी हमने कक्षा चालू करने से पहले मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में सबसे पहले किन को याद किया? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे पंच परमेश्वरों को याद किया। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? मंगलाचरण की जिसमें निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो हमें क्या हमारी निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी मंगलाचरण किए बिना भी? नहीं भैया, जो इष्ट होते हैं उनको तो हमेशा याद करना ही चाहिए, हर समय में याद करना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, एक व्यक्ति इतनी भयंकर स्टेज पे, मतलब कि फिफ्थ स्टेज पे है, थोड़ी स्टेज बाद वो मरने ही वाला है, उसने पूरी दुनिया में दिखा लिया कि अब उसका कहीं पे इलाज नहीं है, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। और वहीं पे उसको एक डॉक्टर मिला, उसने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा। कैसे करूंगा? बिल्कुल मुफ्त इलाज करूंगा। उसने भैया पूरी दुनिया में घूम के आ गया, चलो ठीक है एक बार इन पे भी ट्राई कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने उन पे भी ट्राई किया, उस डॉक्टर को भी मौका दिया, ठीक है आप मेरे पे उपचार कीजिए। और अगर उस डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, बाई चांस ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया और वो 25 साल तक जिंदा रहा, कितने साल तक? 25 साल तक जिंदा रहा। अब बताइए, बार बार जब जब उसको कोई उसको देखेगा, भैया आप तो कैंसर से पीड़ित थे, आप इधर कैसे थे? भैया हमने, उस डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया। 25 साल तक उसके गुणगान गाएगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे कार्य में मदद करते हैं उनका बहुमान आए बिना रहता नहीं है, बहुमान आना चाहिए बार बार। कि हम कोई हमें कैंसर पेशेंट मिलेगा तो हम भी कहेंगे भैया हम पूरी दुनिया घूमे थे लेकिन वो ही एक डॉक्टर था जिन्होंने हमें ठीक कर दिया, तुम भी उसके पास जाओ, तुम्हें वहां पे इलाज मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि जो हमारे कार्य में मदद करते हैं उनका बहुमान हमें आता ही आता है। एक व्यक्ति बहुत गरीब तो एक सेठ जी ने उनको बता दिया कि भैया उस गरीब का ही पैसा, कि वहां वहां छुपा हुआ है तुम्हारा पैसा, तुम वहां पे जाके करोड़पति बन सकते हो। और उस व्यक्ति ने उस खजाने को ढूंढ के निकाला और वो अमीर हो गया, करोड़पति हो गया। अब बताओ जिंदगी भर वो किसकी महिमा गाएगा कि भैया हमारी हालत तो बहुत खराब थी, हमें वो सेठ जी मिल गए थे, उन्होंने हमें बता दिया था तो हम अमीर हो गए। अगर वो सेठ जी नहीं होते तो किसको याद किया? सेठ जी को। वो खजाना भी उसका ही था, वो खजाना भी उसने ही ढूंढा था, लेकिन 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 किसने मदद की खजाना ढूंढने में?
वो एक सेठ जी के वचन की तुम्हारा खजाना वहां पे छुपा हुआ है। अब जिंदगी भर उस सेठ जी के जिस समय खाना भी खाएगा उस समय में भी यही विचार रहेगा कि ये जो मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ ना सेठ जी की वजह से खा पा रहा हूँ, अगर सेठ जी नहीं होते तो मैं आज खाना नहीं खा पाता। मतलब कि निमित्त का बहुमान भी बहुत होता है। बिना जगत में जितने भी कार्य होते हैं हम निमित्त को ही मुख्यता करते हैं। कि अभी देखिए जैसे कि उस गरीब व्यक्ति को सेठ जी कैसे थे, मात्र ज्ञापक कारण थे। कैसे कारण थे? ज्ञापक, ज्ञापक माने बताना। सेठ जी ने मात्र बताया था, सेठ जी ने खजाना लाके नहीं दिया था, सेठ जी ने खुदाई नहीं की थी, मात्र बताया था। ऐसे ही हमारे शास्त्र कैसे हैं, ज्ञापक कारण है हमें आत्मानुभूति करने में। मतलब जब जब आत्मानुभूति होगी तब तब अंदर से अहोभाव आएगा कि अच्छी बात है कि हमें शास्त्र मिल गए थे तो हमने उसका अध्ययन कर लिया था। कब कब याद आएगा? जब जब आपको उसको महिमा आएगी तब तब, जब जब आपको आत्मानुभूति होगी उसके पीछे का कारण आपको शास्त्र का स्वाध्याय ही नजर आएगा। मतलब कि हम यहाँ पे निमित्त का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। इससे क्या रिजल्ट निकला कि हम लोग निमित्त का बहिष्कार नहीं करते हैं, हम तो निमित्त को उजागर करते हैं लेकिन निमित्त की दृष्टि से ही करते हैं, उसको कर्तृत्व की दृष्टि से निमित्त का उजागर नहीं करते। क्यों? क्योंकि निमित्त से कार्य नहीं होता। पूरा का पूरा प्रथमा नियोग निमित्त की भाषा में लिखा गया। हम क्यों कहते हैं कि हमें इन जैसा बनना चाहिए, हमें रामचंद्र जी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये क्या है? ये भी तो निमित्त ही है। शास्त्रों में कहा कि शास्त्रों में कथाएं लिखी क्यों है, एक बार सोच के देखिए मुनिराजों ने प्रथमा नियोग पे अपनी शैली चलाई क्यों है? क्योंकि उनकी कथाओं से, उनकी वीतरागमयी कथा से हम लोगों को प्रेरणा मिले और हम भी उसी मार्ग पे चलें। मतलब कि वो इस चीज को निमित्त रूप में हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि तुम ऐसा करो और तुम्हारे साथ ऐसा हो। अब किसी ने हमारी जीवन परिवर्तन कर दिया है तो हम जिंदगी भर उसका गुणगान गाएंगे कि ये थे इन्होंने हमारा गुणगान कर दिया। एक बच्चा आईएएस बन गया तो जो उसका टीचर था उसका गुणगान जीवन भर चलेगा। जिस समय वो रसगुल्ला खा रहा होगा ना अपनी खुशी का, उस समय में भी उसको ये ध्यान रहेगा कि अगर टीचर थे, उन टीचर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया था तो मैं पास हो पाया था। मतलब कि निमित्त को याद तो किया जाता है लेकिन किस रूप में? ज्ञापक रूप में। अगर ज्ञापक रूप में याद भी ना करें इससे बुरी बात तो होगी नहीं। मतलब ये तो बहुत बुरी बात होगी अगर हम उनको ज्ञापक रूप में भी याद ना करें। ऐसे ही देव, शास्त्र, गुरु ज्ञापक कारण है, करने वाले नहीं है। एक बहुत बढ़िया वाक्य सुना होगा, जो ये हमारा मंदिर है वो शिक्षालय जरूर है लेकिन भिक्षालय नहीं है। मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। क्यों? हम मंदिर में जाके सम्यक दर्शन मांगे, हे भगवान हमें सम्यक दर्शन दे दीजिए, मगरमच्छ के आंसू रोए कि प्लीज 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 मुझे दे दीजिए। थोड़े दिन पहले जब हम जयपुर में थे, जयपुर के सीमंदर स्वामी जिनाले में दर्शन कर रहे थे, वहां पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे आए, तब कोरोना बस थोड़ा चल ही रहा था, तो क्या बोल रहे हैं, हे भगवान प्लीज कोरोना को यहाँ से हटा दीजिए, बहुत महामारी फैल रही है, प्लीज हटा दीजिए। भैया वो भगवान शिक्षा देते हैं, भिक्षा नहीं देते हैं। मतलब कि कोई चीज हम मंदिर में जाके भीख मांग के हमें मिल जाएगी ऐसा नहीं है। भगवान मात्र उपदेश देते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश मिला हुआ है। इसलिए वाक्य नोट कर लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन गिड़गिड़ाने पे, मांगने पे कि शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो मिल ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी शास्त्र नहीं करते हैं। क्यों? गारंटी तो शास्त्र तब करते हैं जब शास्त्रों की बातें हम अंदर उतार लेते हैं। मतलब शास्त्रों के एक पक्ष को तो हम देख लेते हैं लेकिन शास्त्रों का कथन करने के दूसरे पक्ष को भूल जाते हैं। शास्त्र के अध्ययन करने से सम्यक दर्शन होता है, बात सही है, लेकिन शास्त्र के अध्ययन करने से जब वो अध्ययन अपने अंदर स्वाध्याय के रूप में उतरता है तब सम्यक दर्शन, तब उस स्वाध्याय करने पे आरोप आएगा। मतलब सीधी सादी बात है, मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। इसलिए अपना कल्याण करना है तो हमें ही जागृत होना पड़ेगा। दूसरों पर आरोप देना कि ये ऐसे थे वो वैसे थे, हमें तो शास्त्र समझ में नहीं आते। अभी कुछ लोगों से हम मिले, अभी किसी के ऑफिस में गए थे तो वे लोग कह रहे थे हमें तो शास्त्र समझ में ही नहीं आ पाते, बहुत कठिन लगते हैं। बल्कि उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड शास्त्र स्वाध्याय करता है, घर में सब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, हमें शास्त्र समझ में नहीं आते। भैया शास्त्र समझने की होनहार नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आते हैं। शास्त्र समझने की अंतरंग की उपादानगत योग्यता होती तो शास्त्र भी समझ में आते, लेकिन वो शास्त्र समझ में नहीं आते। इसीलिए निमित्त होते भी हैं लेकिन निमित्त कुछ करते नहीं है, इतना सा हमें इतना जानना चाहिए। आइए अपने विषय पे हम वापसी आते हैं।
आप सब पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। पेज नंबर 30 पे 142वां प्रश्न, जहाँ पे भैया भगवती दास जी के दोहे हैं शंका और समाधान के रूप में। बोलिए मोक्ष। भैया ज्ञापक का क्या मतलब होता है? ज्ञापक अर्थात बताने वाले, जैसे निमित होते हैं ना, निमित क्या है? ज्ञापक कारण है। ज्ञापक कुछ करते नहीं है, मात्र बताते हैं कि ऐसा है, उस समय उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंका नंबर दो, हमने शंका नंबर एक का समाधान देख लिया था, अब शंका नंबर दो की चर्चा करते हैं हम। आप सब भी खोल लीजिए, उस दोहे को पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। हो जाने था एक ही उपादान सो काज, थके सहाई पौन बिन पानी माही जहाज। क्या कहना चाह रहे हैं भैया भगवती दास जी? हो जाने था एक ही, उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात मान ली, हमने समझ में आ गया कि उपादान से ही काम होता है, हमने तो यही समझ रखा था कि उपादान से काम हो जाता है। हो जाने था एक ही उपादान सो काज, उपादान से ही काज हो जाता, इतना तो हमने समझ रखा था, हो जाने था। फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन हमें शंका उत्पन्न होने लग गई। क्या शंका हुई? थके सहाई पौन बिन पानी माही जहाज, सहाई अर्थात सहायता करने वाले, पौन अर्थात पवन, जो उधर की तेज जो हवा दौड़ रही है। अब क्या क्या परिस्थिति घटाई कि एक जहाज पानी में है, तो जहाज जो पानी में है, जहाज को बढ़ने में सहायता कौन करता है? तो पानी, पौन अर्थात जो सॉरी पौन अर्थात हवा, कि जब जहाज पानी में खड़ा है तो हवा चलती है तो ही जहाज आगे बढ़ पाता है। हमें तो पहले समझ में आ गया था, लेकिन जैसे ही हमने जहाज को देखा और हमने देखा कि जहाज तो खड़ा हुआ है और जैसे ही हवा चली तो जहाज चल पड़ा, तो अब हमें शंका होने लग गई कि भैया निमित्त ही करता है, उपादान से कुछ नहीं होता है। अब ये भैया भगवती दास जी ने शंका यहाँ पे रखी है। इसका उत्तर हम सबको पता है, बहुत सारे लोगों के मन में उत्तर आ गया होगा कि निमित्त तो मात्र ज्ञापक कारण होते हैं, उनसे कार्य होता नहीं है, लेकिन उस नाव का चलना, हवा का चलना, दोनों का काल एक था, तो हवा पे आरोप आता है क्या कि हवा से क्या चलता है? जहाज चलता है। आइए इनका हम समाधान देखते हैं। 32 नंबर का पेज निकाल लीजिए। 32 नंबर के पेज पे द्वितीय शंका का समाधान यहाँ पे किया जा रहा है। दो छंद यहाँ पे दिए हैं इसको समझाने के लिए, इसको पढ़ते हैं सीधा। सधे वस्तु असहाय जहां तहां निमित है कौन, जो जहाज परवाह में तेरे सहज बिन पौन। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सधे वस्तु असहाय जहां तहां निमित है कौन, मतलब कि असहाय मतलब कि स्वतंत्र रूप से, असहाय मतलब बिना किसी की सहायता के। असहाय के दो अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। एक असहाय अर्थात जो अनाथ होते हैं, जिनको जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता, वे भी असहाय होते हैं। और एक असहाय कौन होते हैं? जिनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे भी असहाय होते हैं। असहाय का मतलब बदल गया। एक असहाय अनाथ वाले जो असहाय हैं, वो मदद चाहते हैं, और एक असहाय का दूसरा अर्थ है कि जिनको किसी की सहायता नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं उपादान को किसी की सहायता नहीं चाहिए। उपादान में अपने में इतनी शक्ति होती है कि वे सब कार्यों को अपनी शक्ति से ही कर सकता है। तो कह रहे हैं सदे वस्तु असहाय जहां, कि वस्तु असहाय रूप से ही अपने काम को सदे अर्थात सिद्ध कर लेती है, पूरा कर लेती है। कह रहे हैं तहां निमित है कौन, वहां पे निमित क्या करता है? निमित को जानता ही कौन है वहां पे, मतलब जहां पे उपादान गत शक्ति इतनी बलवान है, वहां पे ये चीजें निमित क्या है? आपने एक पाठ पढ़ा होगा कि जीव बलवान या कर्म बलवान, कौन बलवान है ज्यादा, जीव बलवान है या कर्म ज्यादा बलवान है? भैया जीव ही ज्यादा बलवान है। अगर कर्म बलवान होते तो जीव इसका कभी अभाव ही नहीं कर पाता। जीव कर्मों का अभाव कर पाता है, तो समझना कि जीव कितने बलवान है। तो भैया हम में इतनी क्षमता है कि वहां पे निमित को पूछता कौन है? निमित को कोई तवज्जो नहीं देता, उसकी कोई बात नहीं करता, जब अपने में इतनी शक्ति है। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं? जो जहाज परवाह में तेरे सहज बिन पौन, अर्थात बिना पवन के ही वो जहाज अपनी योग्यता से आगे दौड़ता जाता है। डॉक्टर्स आजकल बहुत सारी दवाइयां बन रही हैं कोरोना के लिए, तो सब लोगों की दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है। हमने 100 लोगों पर टेस्टिंग की और इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग ठीक हो गए। तो कौन लोग ठीक हो पा रहे हैं?
जिनकी उपादानगत योग्यता है ठीक होने की, और जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं उनकी उपादानगत योग्यता ही खोटी है, तो वे ठीक हो ही नहीं सकते हैं, चाहे उनको महंगी से महंगी, चाहे उन्हें फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास भी लेके जाया जाए तो भी अगर उपादानगत योग्यता ठीक नहीं होगी, डॉक्टर की भाषा में कहा जाए अगर हमारी इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी नहीं होगी, तो हमें डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता है। मतलब सब कुछ लौट के तो हम अपने ही घर पे आ चुके हैं, मतलब कि जो होगा अपने में ही होगा, पर तो निमित्त मात्र है। ऐसे ही पवन जो है वो तो मात्र निमित्त मात्र है, जहाज तो अपनी योग्यता से ही पानी में दौड़ता है। अब देखिए पानी भी जहाज को चलने में क्या है, पानी भी जहाज को चलने में निमित्त ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कहे अच्छा निमित्त है ना, पानी को हटा दीजिए अब जहाज को चला के दिखाइए, भैया ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब घड़ा बनता है ना वहां वहां पे कुमार उपस्थित होता है। ऐसे ही जब जब नाव चलती है, जब जब जहाज चलता है, वहां वहां पानी उपस्थित होता ही है। मतलब कई लोग कुतर्क करने लग सकते हैं कि जब सब कुछ उपादानगत योग्यता से होता है तो इस जहाज को रेत में चला के दिखाओ, तो भैया जैसे कि घड़ा कुम्हार के बिना नहीं बन सकता, ऐसे ही पानी जो जहाज है वो भी उसके बिना नहीं चल सकती। लेकिन जो काम होता है अपनी उपादानगत शक्ति से ही होता है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। क्या लिखा अर्थ, अर्थ देखते हैं। लिखा कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता से अपनी अवस्था को प्राप्त करती है। वहां निमित्त कौन है? जैसे कि निमित्त को जानते ही नहीं हो, कौन है निमित्त? हम तो कोई निमित्त को जानते ही नहीं। जब उपादानगत योग्यता हमारे साथ है, जब हम में इतनी शक्ति है, तो हमें दूसरे का आलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मैं ही इतना बड़ा पहलवान हूं तो मुझे दूसरों को बुलवाने की जरूरत क्या है? मैं खुद ही लड़ लूंगा ना, मैं दूसरों की सहायता क्यों लूंगा? मैं असहाय हूं, अर्थात मैं स्वतंत्र हूं, खुद की लड़ाई में खुद से ही कर सकता हूं। इसीलिए कह रहे हैं जो कुछ होता है सब अपने से ही होता है। लिखा जैसे जहाज प्रवाह में पवन बिना ही सहज तैरता है। भावार्थ लिखा कि जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में स्वतंत्र पने से ही अपने परिणाम को करते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी, क्या जीव और पुद्गल दोनों जो ये द्रव्य हैं वो शुद्ध और अशुद्ध अवस्था दोनों स्वतंत्र रूप से करते हैं। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे क्रोध उत्पन्न करा दिया, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गलत कामों में लगा दिया, सामने वाले व्यक्ति ने मेरा अच्छा करा दिया, ऐसी सारी बातें ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था के अनुसार तो अपनी शुद्ध अशुद्ध अवस्था जीव और पुद्गल स्वयं करते हैं, कोई दूसरा कराता नहीं है। कोई दूसरा नहीं कराता, क्या कर्म भी नहीं कराते? भैया कर्म भी नहीं कराते हैं। जब जब कर्मों का उदय आता है तो वैसी वैसी अवस्था होती है। देखिए कर्मों का उदय आया, अब कर्मों का जैसे उदय आया और हम उस अनुसार परिणमन कर गए, तो हमने आरोप दे दिया कि कर्मों की वजह से आ गया, कि हमें नींद आ गई, हमें प्रवचन में नींद आ गई, हमें क्लास में नींद आ गई। कभी कभार सुबह क्लास चलती है ना 8:30 बजे, तो लोगों के ऐसा लगता है कि मुंह धो के नहीं आए, बहुत नींद आ रही है, थके हुए हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती क्लास खो ले ली है, तो क्या लग रहा है कि अभी तो नींद। वो लोग क्या कहेंगे, भैया कर्मों का उदय है, हमारी निद्रा निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, आपको क्या पता? कर्मों के उदय बड़े बहुत बलवान है, जब कर्मों का उदय आता है तो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं भैया, बातें बिल्कुल कैसी हैं, झूठी हैं, क्योंकि उपादानगत योग्यता से सारी बातें बिल्कुल झूठी है। निमित्त की अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, निमित्त के कथन में कर्मों ने ऐसा कराया ठीक, लेकिन वास्तव में निमित्त कुछ करते ही नहीं है, निमित्त तो वहां पे उपस्थित होते हैं। जब आपको नींद आनी थी तो आपने कारण ढूंढा कि मुझे नींद क्यों आई, तो आपने दोष दे दिया। किस पे दोष दे दिया? कर्मों पे दोष दे दिया। कभी कभार हमारे घर में जब शादियों का फंक्शन होता है और वो शादी हमारे घर की हो, आंखों में नींद आ रही हो, कर्मों का उदय भी होता है, निद्रा निद्रा कर्म का उदय होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम करते रहते हैं, और कितनी सजगता से काम करते रहते हैं, जैसे सारा काम हमें ही करना है। आपको पता है जितने भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान होते हैं वो पढ़ाई कैसे करते हैं? क्योंकि संस्कृत वालों को एक अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, उनको सूत्र रटने ही होते हैं। जैसे कि हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी हम तो जैसे कि फिल्मी गानों की खेल लेंगे, या हम भजनों की खेलते हैं अंताक्षरी, उन लोगों को किस चीज की अंताक्षरी खेलनी होती है? उन लोगों को सूत्रों की अंताक्षरी खेलनी होती है। तो अब सूत्रों की अंताक्षरी खेलनी है तो याद होने चाहिए। कैसे याद करते हैं वे लोग?
जो क्योंकि जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं उनके सारे बाल तो बहुत बड़े होते ही हैं, क्या करते हैं वे अपने बालों को किससे बांध देते हैं, एक ऊपर कील, चोटी को अपनी कील से बांध देते हैं। और क्या होता है जैसे ही नींद आ रही होती है तो एकदम नीचे जाते हैं तो एकदम बाल खींचते हैं, एकदम बाल खींचते हैं, तो उनको नींद नहीं आती। मतलब निद्रा कर्म का उदय तो चल रहा है, निद्रा कर्म का, जो भी कर्मों का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई का लक्ष्य है तो कर्मों का उदय भी ढीला पड़ जाता है। मतलब कि कर्म हमें विकार कराते हो ऐसी बात नहीं है, कर्मों ने हमें अशुद्ध बना दिया या इस व्यक्ति के वजह से मुझे राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है ऐसा नहीं है। कभी कभार ये मेरे सामने आ जाते हैं ना, जब जब मैं इनकी सुबह शक्ल देख लेता हूँ मेरा पूरा दिन खराब जाता है, इनकी शक्ल तो मैं सुबह देखना ही नहीं चाहता। क्या भैया दूसरे की शक्ल देख के तुम्हारा दिन बिगड़ा है, या तुम्हारा दिन बिगड़ना था तो तुमने दूसरों पे आरोप देके अपने बोझ को हल्का कर लिया। मतलब कि अपने बोझ को हल्का करने के लिए हम दूसरों पे आरोप देते हैं कि इसने ये काम कर दिया, मैंने सुबह इसकी शक्ल देखी थी ना इसलिए मुझे लॉस हो गया, मैं इसकी शक्ल नहीं देखता तो नहीं होता, अब थोड़ा हमें चैन मिल जाती है, बिल्ली ने रास्ता काट, मतलब जितनी भी सारी बातें हैं हम दूसरों पे आरोप दे देते हैं कि हम रास्ते से जा रहे थे, हमें हाँ हमारा बुरा इसलिए हो क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया था। अब बिल्ली का रास्ता, बिल्ली को उधर से जाना था, हमारा बुरा होना निश्चित था, आरोप बिल्ली पे दे दिया, ना बिल्ली आपसे मिलने वाली है ना आप बिल्ली से मिलने वाले हो, आरोप देके छूट गए। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, जो होना है वो तो स्वतंत्र रूप से होगा ही होगा। लिखा है कि जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में स्वतंत्र पने से ही अपने परिणाम को करते हैं। अज्ञानी जीव भी स्वतंत्र पने से, देख लीजिए क्या बात कह रहे हैं, ज्ञानी जीवों की बात नहीं कर रहे, अज्ञानी की बात कर रहे हैं। अज्ञानी जीव भी स्वतंत्र पने से निमित्ताधीन परिणाम करता है, कोई निमित्त उसे अधीन नहीं बना सकता है। अर्थात निमित्त तो उस समय होंगे लेकिन अज्ञानी जीव भी सब परिणाम स्वतंत्र करता है। कि ऐसा नहीं कि ज्ञानी को तो छूट मिल गई है कि कर्मों का उदय होगा तब भी कुछ नहीं होगा, ऐसा सबके साथ है, कर्मों का उदय होता है, कभी कभार ऐसे काम हम नहीं करते जैसे कर्मों का उदय आता है। मतलब कि सब कुछ निमित्ताधीन है, निमित्त को मुख्य जहां पे किया जाता है बात ऐसी है। कभी कभार ग्रंथों में निमित्त को मुख्य किया जाता है और कहीं पे उपादान को गौण किया जाता है, और कहीं कहीं उपादान को गौण किया जाता है और निमित्त को मुख्य किया जाता है। जैसे कि हमारे पास दो ग्रंथ, एक है अपना समय सार ग्रंथ और एक है अपना गोमट सार ग्रंथ। अब समय सार ग्रंथ में उपादानगत योग्यता को मुख्य किया है और गोमट सार ग्रंथ में निमित्त को मुख्य किया है, निषेध किसी का नहीं किया। समय सार ग्रंथ में ना तो निमित्त का निषेध किया और ना गोमट सार ग्रंथ में उपादान का निषेध किया, लेकिन मुख्य किसको किया है वो बात है। जैसे कि मुख्य गौण की व्यवस्था तो चलती है, हम कहीं डांस शो देखने गए या हम कोई पिक्चर देख रहे हैं तो उस डांस शो में जो एक विशेष लाइट होती है ना, जो बस उस हीरो पे डलती है स्पॉटलाइट, जो एक प्रॉपर व्यक्ति पे जाएगी, किस पे जाती है वो, जो वहां पे मुख्य होता है। कि दूसरे लोग डांस नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग भी डांस कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है, किसको दिखाना मुख्य है, जो मुख्य वहां पे किरदार है उसको हमें दिखाना प्रयोजन। आपने देखा हो मुख्य गौण की व्यवस्था कैसी होती है, जो मेन डांसर होता है उसके कपड़े अलग होते हैं और बाकी डांसर के सारे कपड़े एक होते हैं। मतलब कि मुख्य किसको दिखाना है, जो अलग कपड़ा पहना हुआ है ना वो डांसर है, चाहे उसकी शक्ल अच्छी नहीं होगी लेकिन जिसने अलग कपड़े पहन रखे हैं वो वहां पे मुख्य हीरो है और बाकी सब क्या है, बाकी सब गौण है। मतलब कि मुख्य गौण की व्यवस्था शास्त्रों में चलती रहती है, यही हमारी स्यादवाद शैली है। जो हम अभी पिछले प्रश्न देख के आए थे 100 नंबर के प्रश्न के आसपास, अनेकांत और स्यादवाद कथन करने की पद्धति है, कब किसको मुख्य किया जाता है और कब किसको गौण किया जाता है। चलिए दूसरा छंद देखते हैं कि दूसरे छंद में यहाँ पे क्या कहा, पढ़ते हैं दूसरा छंद। उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, वसे जु जैसे देश में करे सुते से भेश। बहुत बढ़िया कहा। हाँ जी संजय जी बोलिए, आपको कुछ प्रश्न है। ये यहाँ पे कहा गया है जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में स्वतंत्र पने से अपने परिणाम को करते, तो पुद्गल का अशुद्ध परिणाम कैसे होगा। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पुद्गल का अशुद्ध परिणाम कैसे होता है। तो अगर हम पुरानी कक्षाओं में जाएं, पुरानी कक्षाओं पे दृष्टि डालें तो पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, एक पुद्गल होते हैं परमाणु रूप और एक पुद्गल होते हैं स्कंद के रूप में।
कैसे रूप में, परमाणु के रूप में और स्कंद के रूप में। परमाणु मतलब हाँ। जिसका दूसरा भाग ना हो सकता हो, भागने के स्कंद होते हैं जो बहुत सारे चीजें मिलके बनते हैं, बहुत सारे परमाणु। तो जो स्कंद है वो पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है और जो परमाणु रूप पुद्गल है वो पुद्गल की ही शुद्ध अवस्था है। एक हमेशा शुद्ध होता है। अच्छा थैंक यू। वो पुद्गल का परिणमन चल रहा है वो भी स्वतंत्र रूप से ही चल रहा है, कोई उसको परिणमन कराता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से छंद पढ़ लेते हैं। उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, बसे जू जैसे देश में करे सुतैसे भेष। मतलब जैसे देश में जाते हैं वैसा भेष बना लेते हैं, मतलब कि फॉरेन गए तो फॉरनर हो गए, इंडिया आए तो इंडियन हो गए, कि जमुना गए तो जमुना दास हो गए, यमुना गए तो यमुना दास हो गए। मतलब जैसे जहां जाते हैं वैसा भेष हम बना लेते हैं। हम कहीं यूपी जाते हैं तो यूपी की बोली बोलने लग जाते हैं, वापसी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की बोली बोलने लग जाते हैं। मतलब कि जहां जहां जाते हैं वहां वहां वैसा बन जाते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा लेते हैं, कश्मीर जाते हैं तो थोड़ी कश्मीर की फोटो, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के फोटो खिंचवा लेते हैं। मतलब कि जहां जिस देश में जाते हैं वैसा भेष हम बना लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जिसको मुख्य किया जाएगा उसके तो बहुत गुणगान गाए जाएंगे और बाकी को गौण किया जाएगा, और जब जिसके जब उपादान के मतलब गुण गाए जाएंगे तब उपादान उपादान दिखेगा, और जब निमित्त के गाए जाएंगे तो निमित्त 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 दिखेगा, लेकिन उस समय उपादान भी है, इतना हमें समझना चाहिए। ऊपर की पंक्ति में क्या कह रहे हैं, उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश। क्या उपादान की जो विधि है, उपादान को बताने का जो तरीका है वो कैसा है, निर्वचन है। अर्थात उसको उपादान की तत्समय की योग्यता है, उसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। मतलब उपादान कभी नहीं कहता, मिट्टी कभी नहीं कहती कि मैंने घड़ा बनाया, क्यों, क्योंकि निर्वचन है। उपादान हमेशा निर्वचन होता है और जो कोई भी कार्य होता है उस कार्य को हमेशा निमित्त के एंगल से प्रस्तुत किया जाता है। क्या निमित्त के एंगल से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो भी है होता तो सब कुछ अपने में ही है। मतलब कि कहा कुछ जाएगा समझना हमें कुछ है, जहां पे निमित्त प्रधान शैली है, जैसे कि जहां पे निमित्त प्रधान शैली है वहां पे हमें ये भी समझना है कि वहां पे उपादानगत योग्यता भी ध्यान रखनी है, चाहे शास्त्रों में उसका उल्लेख किया हो या ना किया, क्योंकि शास्त्रों में तो एक शैली से कथन किया, वहां पे तो निमित्त को मुख्य बताना है, उपादान को गौण करना है। लेकिन भैया उपादान गौण है, निषेध नहीं है, उपादान है, लेकिन दिखाया किसको जा रहा है, प्रस्तुतिकरण अभी निमित्त की चल रही है, लेकिन उपादान भी उतना ही कार्य कर रहा है। वास्तव में कार्य तो उपादान से ही होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, उपादान की योग्यता का बयान नहीं होता है, इस कारण निमित्त पर आरोप डाल के बताया जाता है कि कार्य किस से हो रहा है। वास्तव में जो कार्य होता है अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है। भावार्थ क्या लिख, एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं इसका, क्या लिखा, उपादान की विधि निर्वचन होने से निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, व्यवहार से। व्यवहार कैसा होता है, असत्यार्थ होता है, सत्यार्थ नहीं होता। मतलब किसी भी प्रस्तुतिकरण निमित्त की मुख्यता से की जाएगी, लेकिन उसके पीछे की उपादानगत योग्यता को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भावार्थ क्या लिखा, उपादान का कथन एक योग्यता शब्द द्वारा ही होता है, उपादान अपनी योग्यता से अनेक निमित्त पर कारण पने का आरोप उस पर आता है। मतलब उपादान तो अपनी योग्यता से ही कार्य करता है, लेकिन उस योग्यता के आरोप अनेक लोगों पर, अनेक पदार्थों पर आते हैं जो जो उस समय वहां पर उपस्थित थे, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। अब इसका एक विशेषार्थ भी लिखा, क्या विशेषार्थ लिखा, विशेष अर्थ कह रहे हैं, उपादान जब जैसे कार्य को करता है, ध्यान से, उपादान जब जैसे कार्य को करता है तब वैसे कारण पने का आरोप निमित्त पर आता है। मतलब जब कार्य की उत्पत्ति होगी उस समय निमित्त पे मात्र आरोप दिया जाएगा। थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, कोई व्यक्ति कुएं में कूद रहा है तो कुआ उसके लिए क्या बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा। और अभी कोई उसको किसी को पानी पीना है उस कुएं से तो वही कुआ पानी पिलाने में निमित्त बन जाएगा। मतलब कि जैसा कार्य होगा वैसा उस निमित्त पे आरोप आ जाएगा। अब निमित्त बुरा नहीं हुआ,
देखिए अभी हम देखने लग जाएं कि भैया इस व्यक्ति ने कुएं में कूद के मौत कर ली, तो कुआ बहुत बुरा है, कुएं से कुछ काम करने नहीं चाहिए, बहुत बुरा है, कुएं को बंद करा देना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि जैसा कार्य था उस अपेक्षा हमने उस कथन को कर दिया, लेकिन अब वो कुआ पानी लेने के काम आता है तो वही कुआ अच्छा हो गया, सबको उसकी सबकी प्यास बुझाता है। मतलब चीजें बदल जाती हैं। कोई सुसाइड पंखे से करता है तो पंखा बहुत बुरा है, अगर घर में पंखा ही नहीं होता तो सुसाइड हो ही नहीं पाता। लेकिन 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 पंखा हवा देने का काम भी करता है, उसी पंखे पे किसका आरोप आया? हवा देने का, और उसी पंखे पे आरोप आया सुसाइड करने का। कार्य दो अलग अलग है, पदार्थ एक ही है, अब बस कार्य की उत्पत्ति जैसी हो रही है वैसा हम निमित्त को प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे ही उपादान जब जैसे कार्य को करता है तब वैसे कारण पने का आरोप उस पे आ जाता है। छोटा सा उदाहरण, बेलन है, बेलन, बेलन किस काम आता है? सब कह रहे हैं कि बेलन तो रोटी बनाने के काम आता है, भैया नहीं, मारने के काम भी आता है, बेलन मारने के काम भी आता है। अब बताइए, अभी जो बेलन, कोई कह रहे हैं कि मोक्ष को बेलन से मार पड़ती है, ऐसा तो नहीं है, इशारा मोक्ष की ओर जा रहा है। चले जो भी हो, क्या है, रोटी किससे बनती है? अभी रोटी को बनने में बेलन निमित्त है, और वही बेलन दूसरे की मार में निमित्त है। वस्तु एक है, लेकिन जैसी कार्य की उत्पत्ति हो रही होगी उसको हम प्रस्तुत कर देंगे। चाकू, चाकू से क्या काम किए जाते हैं? चाकू से सब्जी साफ की जाती है, सब्जी बनाई जाती है, फल बनाए जाते हैं, और क्या किया जाता है? अब उसी चाकू से एक का मर्डर भी कर सकते हैं। अब वही चाकू मर्डर करने में निमित्त बन जाता है, और वही चाकू फल सब्जियों को बनाने में निमित्त बन जाता है। वस्तु एक है, जैसी कार्य की उत्पत्ति हो रही होगी उसको हम उस एंगल से देख लेंगे। इसलिए हमने प्रारंभिक कक्षाओं में कहा था कि निमित्त कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, कार्य की उत्पत्ति जैसी होगी हम उस वस्तु को उस एंगल से देखेंगे और उस पे निमित्त का आरोप आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, उपादान जब जैसे कार्य को करता है तब वैसे कारण पने का आरोप निमित्त पर आता है। उदाहरण इसमें ही दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है, क्या लिखा? जैसे, जैसे कोई व्रजकाय मनुष्य सातवें नरक के योग्य मलिन भाव करता है। क्या कहा? जब कोई व्रजकाय, व्रजकाय एक सैनन है, विशेष प्रकार का सैनन जो बिल्कुल मजबूत होता है। व्रज मतलब जो टूटता नहीं है, हमारी हड्डियां तो बहुत कमजोर हैं, हल्का सा गिर जाते हैं तो टूट जाती हैं, लेकिन व्रज कैसा होता है? जो किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। तो कह रहे हैं, जब कोई व्रजकाय मनुष्य, मनुष्य का विशेषण क्या है? व्रजकाय मनुष्य। तो जब कोई व्रजकाय मनुष्य सातवें नरक के योग्य मलिन भाव करता है तो व्रज काय पर नरक के कारण पने का आरोप आता है, और यदि जीव मोक्ष के योग्य निर्मल भाव करता है तो उसी निमित्त पर मोक्ष के कारण पने का आरोप आता है। मतलब कि व्रज काय जो एक शरीर विशेष प्रकार का है, वो शरीर एक ही प्रकार का, लेकिन जब जीव मलिन भाव करता है और मलिन भाव से सातवें नरक चला जाता है तो नरक में जाने का कारण क्या कहा जा रहा है? कि व्रज काय शरीर था ना, इसलिए चला गया। अब वही जीव, व्रज काय वाले मनुष्य जीव अब पुरुषार्थ करके मोक्ष चला गया, क्योंकि व्रज काय जिनका शरीर बिल्कुल मजबूत होता है, व्रज काय वाले ही ऊपर मोक्ष जा पाते हैं, कंपलसरी स्टेजेस हैं ये, उसके बिना मोक्ष संभव नहीं, व्रज काय मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो जो गए हैं, अब मोक्ष जाने का आरोप किस पे आ गया? उस व्रज काय शरीर पे आ गया। मतलब कि एक तो जा रहा है नरक और एक जा रहे हैं मोक्ष। अब मोक्ष में भी वही व्रज काय शरीर निमित्त है और नरक में जाने में भी वही व्रजकाय निमित्त, व्रजकाय शरीर निमित्त है। मतलब कि चीज एक है, देखने का नजरिया अलग है। जब जीव मलिन भाव करेगा तो आरोप उस पे दे देंगे, और जब जीव निर्मल भाव करेगा तो आरोप हम उस व्रजकाय पे दे देंगे, व्रजकाय मनुष्य के शरीर पर दे देंगे। मतलब बातें, निमित्त कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, कार्य की उत्पत्ति जैसी होती है तब वैसे कारण पने का आरोप निमित्त पर आ जाता है, कार्य उससे होता नहीं है। क्या लिखा? इस प्रकार उपादान के कार्यानुसार निमित्त में भी कारण पने का आरोप तो किया जाता है, निमित्त कारण तो है लेकिन आरोप किया जाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हो रहा है, रिजल्ट निकाल रहे हैं, कंक्लूजन क्या है हमारी बातों का पूरा, निमित्त से कार्य तो नहीं होता, निमित्त से कार्य तो नहीं होता बल्कि कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है। या हम कहें कि निमित्त से कार्य होता तो नहीं, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य होता नहीं है, निमित्त के बिना भी नहीं और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। तो लिख दिया, बल्कि निमित्त का कथन किया जाता है, निमित्त से कार्य होता नहीं है, अतः उपादान ही सच्चा कारण है और निमित्त आरोपित कारण है।
आरोपित कारण और एक सच्चा कारण। उपादान को सच्चा कारण सिद्ध किया और निमित्त को आरोपित कारण यहाँ पे सिद्ध किया गया है। इतनी बातें हमें उपादान और निमित्त के संबंध में भली प्रकार से समझ में आई होंगी। अभी भी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं निमित्त उपादान से संबंधित ही। अभी हमें कितने प्रश्न और देखने हैं? 1, 2, 3 प्रश्न और हैं निमित्त उपादान से संबंधित, जिसके अंदर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, जो जैन दर्शन का महान सिद्धांत है निमित्त उपादान कार्य कारण मीमांसा, हमारा पूरा उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो इस विषय से संबंधित, भैया भगवती दास जी के जो दोहे थे उनसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए मोक्ष। भैया मैंने जब भी सुना है तो मैंने निमित्त के साथ हमेशा नैमित्त भी सुना है, तो निमित्त तो ठीक है लेकिन नैमित्त का मतलब क्या होता है? चलिए आपकी शंका बड़ी अच्छी है कि नैमित्तिक, जिज्ञासा कहेंगे शंका तो नहीं, कि नैमित्तिक क्या है। तो अभी हमारा अगला जो प्रश्न आने वाला है, दो प्रश्न बाद ही, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं, उसमें हम नैमित्तिक को समझेंगे। लेकिन नैमित्तिक निमित्त की दृष्टि से जो कार्य हो रहा है, मतलब निमित्त की मुख्यता से जो कार्य होता है कि एक मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी उपादान है, और जो मिट्टी से घड़े बनने की क्रिया है वो उपादेय है, मतलब कि उपादान उपादेय संबंध। ऐसे ही घड़ा तो कुम्हार ने बनाया है तो कुम्हार तो निमित्त है, और उस कुम्हार के द्वारा घड़े बनने की जो क्रिया है, जो घड़ा बना है, वो नैमित्तिक क्रिया है। अभी हम विस्तार से, अभी समझ में ना आया हो तो विस्तार से हम आगे निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी देखेंगे। मतलब एक ही कार्य को उपादान की दृष्टि से देखेंगे तो उसे उपादेय कहेंगे, और उसी कार्य को निमित्त की दृष्टि से कहेंगे तो वो नैमित्तिक हो जाएगा। थोड़ा अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी और किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित निमित्त उपादान से? कुछ स्वतंत्रता तो हमें पता लग रही होगी इसके माध्यम से कि हम कितने स्वतंत्र हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है किसी भी कार्य को करने की, उपादानगत योग्यता हमें पूरी है। तो शीर्घ हम अपनी उपादानगत योग्यता को पहचाने, निमित्त की संभाल, निमित्त को इकट्ठा करने की कोशिश छोड़ें, अपनी उपादानगत योग्यता पे ध्यान देवें और शीघ्र गतिशील मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मन का पाठ करेंगे। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी।